आप गंगा जी के मंदिर में आते हैं तो अपना चप्पल एक सुरक्षित स्थान पर रखिए, क्योंकि अभी मैं वहाँ पर अपना चप्पल रखा था, मेरा चप्पल चोरी हो गया भाई। अभी भी कई सारे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और शाम का व्यू अलग ही होता है भाई, देखने लायक रहता है, क्योंकि यहाँ का जो लाइटिंग है और जो आरती है वो देखने लायक रहता है। गंगा जी का आरती स्टार्ट हो चुका है, आरती तो अभी हम जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए और हर की पौड़ी के पास आ चुके हैं, मतलब पहुँचने वाले हैं, मात्र कुछ ही मीटर की दूरी पर है। उससे पहले बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गया भाई, क्योंकि आरती बस कुछ ही देर में चालू होने वाला है, इसकी वजह से भीड़ बढ़ गया है। बहुत सारे लोग आरती अटेंड करने के लिए आते हैं डेली यहाँ पर। तो ये रहा एंट्री गेट, देखिए एंट्री गेट को ऐसा है, और बाकी पूरा भीड़ बढ़ गया भाई पब्लिक का, क्योंकि आरती स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर में गंगा मैया का। बाकी पब्लिक का भीड़ आप देख सकते हैं, पूरा भीड़ बढ़ते जा रहा है, और इधर बहुत सारी मार्केट लगी हुई है इधर आसपास में, पूरा पब्लिक का भीड़ बढ़ गया है। बस कुछ ही देर में अभी आरती स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं आपको गंगा माता के मंदिर के पास लेकर चलता हूँ, वहीं पर आरती होता है। गंगा जी का आरती स्टार्ट हो चुका है, आरती स्टार्ट हुए अभी मात्र 10 मिनट हुए हैं, और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है यहाँ पर, पब्लिक का बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरा क्राउड है यार, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आज ही नहीं बल्कि रोज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, लाखों की संख्या में पब्लिक यहाँ पर आती है, श्रद्धालु आती है देखने के लिए। आरती स्टार्ट हो गया है यहाँ पर माता गंगा का मंदिर, और इधर पूरा पब्लिक, पूरा श्रद्धालु आए हुए हैं हर की पौड़ी के पास। कोशिश करता हूँ और भी पास जाने की, वैसे भीड़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 1000-2000 की संख्या में, और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आरती दिख नहीं रहा यहाँ से, वैसे इधर अभी भी आरती चल रहा है भाई, अभी आरती ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे लग रहा था ख़त्म हो गया करके, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, बहुत ही शानदार व्यू है। देखिए आरती की थाली भैया भी लाए हुए हैं, जय गंगा मैया। तो आरती लगभग समाप्त हो चुका है, गंगा मैया का मंदिर वहाँ पर है, और वहाँ पर आरती हो रहा था अभी गंगा मैया का आरती, और बहुत ही शानदार आरती होता है, देश भर में काफ़ी सारे लोग आते हैं, देश भर के काफ़ी सारे लोग, कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं आरती अटेंड करने के लिए। वहाँ पर गंगा मैया का मंदिर है और वहाँ पर आरती चल रहा था अभी, और ये देख सकते हैं गंगा नदी बह रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है पब्लिक का यहाँ पर, लाखों की संख्या में पब्लिक यहाँ पर पहुँची हुई है, चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा पब्लिक का भीड़ है। गंगा आरती के बाद लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, बहुत ही खुशी का माहौल है, मज़ा आ रहा है भाई। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ, की पौड़ी घाट में यहाँ पर गंगा माता का मंदिर है। इसके जस्ट सामने में आपको एक बड़ा सा टावर दिखाई देगा, इसका नाम है राजा बिरला टावर, और इसमें ऊपर बड़ा सा घड़ी लगा हुआ है,
तो क्या वहाँ पर घड़ी लगा हुआ है इसमें टाइमिंग बता रहा है 7:30 हो रहा है अभी, तो 7:30 बजे मतलब 6 बजे के आसपास यहाँ पर आरती स्टार्ट होता है जो कि 7 बजे के आसपास तक चलता है और अभी 7:30 हो रहे हैं। 7:30 बजे का आप माहौल देख सकते हैं, उसके पहले बहुत ज़्यादा भीड़ था, अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हर की पौड़ी के मेन एंट्रेंस गेट के पास आ चुके हैं, ये हर की पौड़ी का मेन एंट्रेंस गेट है और इधर गंगा माता का मंदिर है, तो वहाँ से जाएंगे अंदर और माता रानी का दर्शन करेंगे गंगा माता का। और मुझे मेरे ख्याल से अंदर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दर्शन तो अंदर शायद ही करा पाऊँगा, देखते हैं जहाँ तक कैमरा चलाने देते हैं चलो ले कर चलते हैं। तो माता के मंदिर तक आ चुके हैं, गंगा माता के मंदिर तक, और ये रहा गंगा माता का मंदिर, मुख्य गंगा मंदिर लिखा हुआ है और इधर पूरा बड़ा सा मंदिर है, वहाँ सभा है श्री गंगा सभा हरिद्वार, इसके पीछे भी छोटा छोटा मंदिर है और ये गंगा माता का मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। गंगा माता मंदिर के जस्ट सामने में यहाँ पर बद्रीनारायण जी का मंदिर है, तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं, प्राचीन बद्रीनारायण मंदिर, तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है गंगा जी का मंदिर, देख सकते हैं पीछे अभी मैंने आपको दर्शन कराया वहाँ पर, और ये कथा स्थल दिखा दिया है। अब मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ, उधर और भी मंदिर है। गंगा सभा के पास ही नीचे में यहाँ पर हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड घाट लिखा हुआ है, वहाँ पर यहीं पर नीचे में एक और प्राचीन मंदिर है गंगा माता का। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और वहाँ दर्शन करते हैं माता रानी का। देखिए यहाँ पर है गंगा माता का मंदिर, प्राचीन मंदिर। ये देखिए घर बैठे आप दर्शन कर लो गंगा माता का। लक्ष्मी नारायण मंदिर है यहाँ पर। देखिए गंगा नदी का कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू है। इस वक्त टाइमिंग हो रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं और 8 बजे का आप शानदार व्यू देखिए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आरती चल रहा था माता गंगा का, तो और भी बहुत ही ज़्यादा माहौल था, बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए हुए थे, अभी भी आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रही है। देखिए इधर से भी आप ये देखिए गंगा नदी का, बहुत ही शानदार नज़ारा है भाई। अभी रात को भी लोग यहाँ पर डुबकियाँ लगा रहे हैं। तो भाई जब भी आप गंगा जी के मंदिर में आते हैं तो अपना चप्पल एक सुरक्षित स्थान पर रखिए, क्योंकि अभी मैं वहाँ पर अपना चप्पल रखा था, मेरा चप्पल चोरी हो गया भाई, आज ही लिया था उसको। तो आप जब भी आते हैं अपना चप्पल सुरक्षित स्थान पर रखिए ताकि चप्पल आपका सुरक्षित रहे और चोरी होने से बचे।